Hello students, welcome back to our channel General Studies with Anup K. Verma. आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है आपको. ये पेपर है आपका हिमाचल प्रदेश का और हिमाचल प्रदेश में एक एग्जाम कंडक्ट कराया गया है तड़स और वो एग्जाम कंडक्ट कराया है HPSSC ने. ठीक है, HPSSC ने ये एग्जाम कंडक्ट कराया. पेन को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं. ओके, और ये पोस्ट थी बेसिकली आपकी असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर की. कंप्यूटर प्रोग्रामर तो इस पोस्ट के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया है और पोस्ट का जो कोड है उसकी बात करें तो 966 इज द पोस्ट कोड. और इस पेपर के अंदर 200 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और हम यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को देखेंगे एक्सेप्ट जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं. ठीक है, रीजनिंग और इंग्लिश और हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं छोड़ दूंगा. बाकी आपके टेक्निकल क्वेश्चंस और जीएस के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर लूंगा. ठीक है, और ये एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है 27th of November 2022 को. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, अपने सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है फील्ड मार्शल इन द आर्मी. आर्मी के अंदर बेसिकली फील्ड मार्शल की जो पोस्ट होती है वो सबसे हाईएस्ट रैंक होती है. ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, ये आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को जो है एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर काफी सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है. फर्स्ट नॉन अलाइंड सबमिट वॉज हेल्ड एट, तो ये कहां पर हुई थी, ये हुई थी बेलग्रेड के अंदर. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है थर्ड नंबर क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, स्टार ट्विंकल्स इन द नाइट बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेरिक फ्लक्चुएट्स. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर का. फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की. तो क्वेश्चन नंबर फाइव में आपसे पूछा है द टर्म हाइड्रोफोनिक इज यूज टू डिस्क्राइब द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स इन वाटर. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है. और ये पेपर मैंने himexam.com से लिया है, आप उनकी वेबसाइट से भी ले सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये अवेलेबल है, तो वहां से भी आप इसका PDF ले सकते हैं. एंड फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की. सॉफ्ट स्मूथ फील ऑफ द स्किन, सॉरी सॉफ्ट स्मूथ फील ऑफ द स्किन जो है आफ्टर शेविंग लोशन इज ड्यू टू द एल्कोहल. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का. विच गैस इज यूज फॉर द रेफ्रिजरेशन, यहाँ पर नाइट्रोजन यूज होती है. नाइट्रोजन किसके अंदर है, अमोनिया के अंदर है. ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मेटल, हार्डेस्ट मेटल कौन सा है, टंगस्टन है यहाँ पर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक का सिम्टम नहीं. देखिए यहाँ पर सारी चीजें होती हैं, लेग के अंदर पेन नहीं होता, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर नाइन का करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की. तो क्वेश्चन नंबर टेन में आपसे पूछा है अ पर्सन विद अ ब्लड ग्रुप ओ कैन रिसीव ब्लड ट्रांसफ्यूशन फ्रॉम द पर्सन विद अ ब्लड ग्रुप ओ ऑनली. ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है. अशोक इज फेमस फॉर हिज वास्ट एम्पायर, बुद्धा एंड प्रीचिंग अहिंसा. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू कंट्रीज ऑफ अकबर एक्सेप्ट दीन ए इलाही, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बीरबल. ऑप्शन नंबर डी इज द कोर्टियर्स, नॉट कंट्रीज, दैट इज कोर्टियर. ठीक है, कोर्टियर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है हु वाज द हिंदू किंग शोज प्लेइंग ऑन द वीना ऑन एंशियंट क्वाइंस. सो यहां पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त. उपनिषद वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय द सॉरी नॉट बाय बाय द ऑर्डर ऑफ दारा शिको. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 का दारा शिको नहीं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं. बाय व्हिच लॉ डिड द ब्रिटिश क्राउन टेक ओवर द पावर ऑफ रूल इन इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इज द मैग्ना कार्टा ऑफ राइट. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर. हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ हिंदुज्म इन 19th सेंचुरी, दैट इज स्वामी विवेकानंद. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का. ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की. ओके, क्वेश्चन नंबर 17, इफ अ पर्सन इलेक्टेड टू बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, बेसिकली पार्लियामेंट एमपी भी बन गया और एमएलए भी है,
तो वो क्या होगा, उसके साथ क्या कंडीशन आएगी? तो उसके साथ ये आएगी कि जो उसके ऊपर है बेसिकली, एक्चुअली देखिए यहाँ पर अगर जो भाई एमपी भी बना हुआ है और एमएलए की सीट भी है, तो उस कंडीशन में उसकी जो ये एमएलए की सीट है उसके साथ क्या होगा, मतलब क्या उसकी सीट खाली हो जाएगी? डेफिनेटली वो ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगी, वो वहाँ से रिजाइन कर देगा। ये जनरल ट्रेंड होता है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है, फॉर राइजिंग हाफ एन आवर डिस्कशन इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अ नोटिस इन राइटिंग हैज बीन गिवन टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द हाउस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर है। राज्यसभा के मेंबर की लाइफ कितनी होती है? दैट इज 6 ईयर्स। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट? देखिए वो मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, बट नॉट द कैबिनेट रैंक नहीं होती है उसकी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो सर्वोदय एम्ड, सर्वोदय का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है नो इम्पोर्ट नो एक्सपोर्ट। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर। विच प्लैनेट टेक्स द सेम नंबर ऑफ डेज ऑफ फॉर रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन? दैट इज मार्स एंड अर्थ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो 24 में आपसे पूछा गया है, हिमालयस हैव स्नो लाइन एट 43 मीटर्स और एल्स माउंटेन की जो स्नो लाइन है वो है 3000 मीटर में। ये बिकॉज ऑफ द, इसका जो करेक्ट आंसर है 24 का, दैट इज हिमालय हैव डेंसर फॉरेस्ट कवर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 25 की बात करते हैं, डेंसिटी ऑफ कोर जो है ऑफ द अर्थ एक्सपेक्टेड टू बी, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा 17.2। वाइन प्रोडक्शन, सॉरी इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। वाइन प्रोडक्शन इज मेनली कैरीड आउट इन विच नेचुरल रीजन? सो दैट इज मेडिटेरियन रीजन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर हैज अ बर्ड फुट डेल्टा? दैट इज मिसिसिपी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन नंबर सॉरी 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 27 का, विच रिवर हैज अ बर्ड फुट मैसिपिसी हो गया। देन हम बात करते हैं, क्लाइमेट ऑफ अ पैरिस इज डिसाइडेड बाय द, ये तीनों फैक्टर रहेंगे, प्रॉक्सिमिटी, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129, विच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर द गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स? दैट इज तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा है, विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली ऑर्गेनाइज अगन 2022 कॉन्फ्रेंस? जो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मिखिल गोबारचेच हु पास रिसेंटली वॉज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ, यहाँ पर जो है बेसिकली ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 31 का, रशिया। 32 की बात करते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली मैन्युफैक्चर्ड तेजस मार्क टू फाइटर जेट? दैट इज हेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। जिज्ञासा 2.0 प्रोग्राम जो है रिसेंटली न्यूज में था, ये किससे संबंधित है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का, ठीक है। एंड फिर हम बात करते हैं आगे, देखिए ये अब आगे आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं कुछ, एंड देन आपके लैंग्वेज क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, लैंग्वेज और हिंदी सब छोड़ छाड़ के। फिर हम पहुंचते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे, जब आपके टेक्निकल बैकग्राउंड के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर एंड फिक्सिंग देम विद अ प्रोग्राम इज कॉल्ड एज, दिस इज डबिंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। Which command will stop an infinite loop? That is, यहाँ पर जो रहेगा that is control, नहीं sorry, 50th का correct answer होगा option number D, control C. During program development, software requires specify what the task that the program must perform. Option number B यहाँ पर correct answer है. Programmer who writes the system software is called as the, इसे कहा जाता है that is system programmer. Option number D is the correct answer. Question number 50. ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन की।
तो 53 नंबर में पूछा है द टाइप ऑफ प्रोग्रामर हु राइट्स राइट्स द प्रोग्राम फॉर अ स्पेसिफिक यूजर टू कैरी आउट द स्पेशल इंस्ट्रक्शन इज क्लासिफाइड एज. सो 53 का करेक्ट आंसर होगा एप्लीकेशन प्रोग्रामर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है. द सिस्टम प्रोग्राम विच परफॉर्म्स वन सिंपल टास्क इज क्लासिफाइड एज. सो 54 का करेक्ट आंसर है यूटिलिटी प्रोग्राम, ऑप्शन ए. ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर कैरिड आउट बाई अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 55. देन हम बढ़ते हैं आगे 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ. तो 56 में पूछा गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोबल वर्क्स बेस्ट फॉर द यूज ऑफ कमर्शियल एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 57 प्रोग्राम यूज्ड इन द इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग इज टर्म्ड एज द इंटरप्रेटर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. प्रोग्राम विच ट्रांसलेट द हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन कोड इज क्लासिफाइड एज. सो 58 का करेक्ट आंसर होगा कंपाइलर. क्वेश्चन नंबर 59 प्रोग्राम सब रूटीन आर क्लासिफाइड एज, सो दिस इज क्लासिफाइड एज अदर प्रोग्राम्स, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 59 में. फिर हम बढ़ते हैं 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन में. तो क्वेश्चन नंबर 60 में है फंक्शन विच इज यूज टू यूज इन स्टेप वाइज रिफाइनमेंट ऑफ प्रोग्राम इज क्लासिफाइड एज. सो दिस इज क्लासिफाइड एज द प्रोसीजर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. बेसिक स्टेटमेंट आपको दी गई है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 61 का दैट इज इंट होगा, INT, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंसिस्ट ऑफ फुल सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज टर्म्ड एज, सो दिस इज टर्म्ड एज द सॉफ्टवेयर पैकेजेस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 62. देन हम बात करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की. तो 63 नंबर क्वेश्चन में पूछा है सेट ऑफ सॉफ्टवेयर ऑथराइज्ड टू अ स्पेसिफिक यूजर इज कंसीडर्ड एज अ, 63 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. 64 सीक्वेंस कंट्रोल रजिस्टर इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है. 65 की बात करें टू राइट द प्रोग्राम फंक्शन that is the program for the sum of four integers and the program that is refinement first level includes. So यहाँ पर जो correct answer होगा input four numbers that is option number A यहाँ पर correct answer होगा question number 64 का. फिर हम बात करते हैं question number 65 का, ठीक है. Then है हमारा 66 number question. तो 66 number question में पूछा गया है method used in writing and designing program is termed as, this is termed as the टॉप डाउन मैथड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है. फंक्शन डिफाइंड डेफिनेशन एंड द फर्स्ट लेवल रिफाइनमेंट आर द पार्ट्स ऑफ, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोग्राम डिजाइन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है. टेक्निक ऑफ यूजिंग टू बफर्स एज अ इंटरफेस बिटवीन द टू डिवाइसेस इज कॉल्ड एज द दैट इज 68 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी नॉट ए That is option number D, double buffering. Option number D is the correct answer for the question number 68. Then हम बढ़ते हैं आगे 69 number question पे आते हैं. तो 69 number में पूछा है if CPU is programmed to send out to analog device, then the other converter must be of which type? So this is the analog to digital, option number B यहाँ पर correct answer है. Main stove of the CPU is also called as. So 70 का करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी टेम्प्रेरी एंड आपका सॉरी नॉट मेन मेमोरी एंड इंटरमीडिएट एक्सेस स्टोरेज होता है दैट इज बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर. नेटवर्क इन विच डाटा इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट इज कॉल्ड एज, सो दिस इज कॉल्ड एज पैकेट स्विचिंग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है 71 नंबर क्वेश्चन का. 72 की बात करते हैं डिवाइस यूज्ड फॉर बाई ऑपरेटर्स यूजली used for the control of computer is classified as the 72 का correct answer है that is the display console, option number D यहाँ पर क्या है correct answer है 72 number question का, ठीक है. चलिए फिर हम बात करते हैं 72 के बाद 73 की. तो BCD is a binary coded decimal, option number A यहाँ पर correct answer है. 74 EBCDIC code, the maximum possible characters are in this, 256 option number A correct answer है. Process of arranging the data into new order is called as 75 number question है correct answer है option number A analyzing program which is written originally by the programmer is classified as the
सोर्स प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो है इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मशीन कोड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 78 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, टेक्निक फॉर यूज, टेक्निक ऑफ यूजिंग फिक्स वर्ड फॉर मशीन कोड फंक्शन इज क्लासिफाइड एज द, तो यहाँ पर जो 78 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 79 इंस्ट्रक्शन विच टेल्स द असेंबलर हाउ टू डील विद द होल नंबर होल प्रोग्राम इज क्लासिफाइड एज द डायरेक्टिव्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फील्ड विच इज यूज टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक रिकॉर्ड एंड कैन नॉट डुप्लीकेट इट्स क्लासिफाइड एज द की फील्ड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है 80 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 81 की हम बात करते हैं, तो 81 में आपसे पूछा गया है, टेक्निक यूज्ड इन द कैरेक्टर रिकॉग्निशन इंक्लूड्स द, सो 81 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों सही हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रूटीन यूज्ड टू डिटेक्ट द सिंटैक्स एरर क्लासिफाइड एज द, 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए डायग्नोस्टिक रूटीन। एंड क्वेश्चन नंबर 83 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर है, एरर व्हिच अकर्स व्हेन द यूजर ट्राई टू यूज द डिवाइस व्हिच इज नॉट स्विच्ड ऑन इज क्लासिफाइड एज एग्जीक्यूशन एरर मैसेज आएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 83 का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 84 की, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा और इन्फॉर्मेशन इन टू द फॉर्म विच इज रेडियली अवेलेबल फॉर द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द, सो 84 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज एनकोडिंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है। व्हेन डिवीजन ऑफ डेसिमल्स आर इन्वॉल्व इन अ प्रोग्राम दीज नंबर्स आर स्टोर्ड इन द बेसिकली दीज आर द रियल नंबर्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 86 की बात करते हैं, व्हेन द डाटा इज इनपुट इन न्यूमेरिक द डाटा टाइप ऑफ द प्रोग्राम इज क्लासिफाइड एज द स्ट्रिंग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर नहीं, 86 का ए नहीं, स्ट्रिंग नहीं होगा, दैट इज रियल इंटीजर्स होंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 86। फिर हम बात करते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की, तो 87 में आपसे पूछा गया है, ड्यूटीज ऑफ प्रोग्रामर डज नॉट इंक्लूड, सो डिफाइनिंग मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इज नॉट मेंशनड इन दिस, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर यूजुअली वर्क ऑन लो लेवल लैंग्वेजेस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 88 का। 89 की बात करते हैं, द प्रोग्राम यूज टू ट्रांसफर कंटेंट ऑन टू द प्रिंटर फ्रॉम VDU स्क्रीन इज क्लासिफाइड एज, सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्क्रीन डंप, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है 89 का। 90 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आर द बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 90। 91 की बात करते हैं, द एप्लीकेशन प्रोग्राम इंक्लूड्स, तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड्स होता है, दैट इज द बेसिकली पेरोल प्रोग्राम्स आर इंक्लूडेड इन दिस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पीस ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड बैकअप स्टोरेज इज कॉल्ड एज द दिस इज कॉल्ड एज अ ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। एंड द टाइप ऑफ स्टोरेज डिस्क विच हैव बीन मैग्नेटाइज्ड डायरेक्शन टू रिप्रेजेंट जीरो और वन इज सेट टू बी द बबल मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 93, दिस इज द 93 नंबर क्वेश्चन। 94, द क्रेडिट कार्ड एंड बैंक कार्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रिप, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 94। चलिए फिर पढ़ते हैं 95 की तरफ, तो 95 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज एक्सटेंशन ऑफ बेसिक इज द कोमल, कोमल ठीक है, सी ओ एम ए एल कोमल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 96, टाइप ऑफ सिस्टम इन विच डाटा इज कलेक्टेड टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट इज कंसिडर्ड एज अ बैच प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 97, The job processed in multi programming are done that is very systematic, option number c is the correct answer. 98 ki baat karein, speed of transmitted data is measured in seconds, option number d yahan par kya rahega correct answer rahega. Question number 99, program are written easily by the programmer in 99 ka correct answer hoga that is sequence file ke andar, option number c is the correct answer. Theek hai, chaliye fir padhte hain 99 ke baad hai hamara next question, 100 number question hai, तो इसमें पूछा गया है कि इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर्टिकुलर वे बाय विच डाटा रिकॉर्ड्स आर अरेंज्ड इन टू द स्पेसिफिक मैनर इज कंसीडर्ड एज द
ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 101 की बात करें, द टाइप ऑफ डिवाइसेस दैट कैन बी प्रोड्यूस मूवमेंट व्हेन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज गिवन टू इट इज कॉल्ड एज अ एक्यूटर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, लूप स्टेटमेंट विच इज रिपीटेड फॉर सम गिवन नंबर ऑफ टाइम्स इज क्लासिफाइड एज द दिस इज फॉर लूप। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 102 का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, 102 हो चुका है, 103 पे आते हैं। तो इसमें पूछा, इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक्स स्टेटमेंट विद गोटो एंड आईएफ कमांड आर कंसिडर्ड एज अ दिस इज कंसिडर्ड एज अ लूप। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द कोमल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अ वाइल लूप मस्ट बी एंड विद द एंड वाइल फंक्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज क्लासिफाइड एज द दिस इज क्लासिफाइड एज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है 105 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 106 की। तो यहाँ पर 106 में पूछा है, इन पॉजिटिव इंटीजर्स लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द एन बिट्स इज कॉल्ड एज द 2n-1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पेरिफेरल वेयर ऑटोमेटिकली इनपुट ऑफ द डाटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाटा कैप्चर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एनालिस्ट विद द अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हेल्प्स इन द इम्प्लीमेंटिंग न्यू सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। द स्टेटमेंट 113 यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज अरे ऑफ बेसिक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 110 नंबर क्वेश्चन, साइज ऑफ एन एरे इज डिक्लेयर्ड बाय द बेसिकली ये साइज ऑफ द एरे जो है वो कौन डिक्लेयर करता है, ये डिक्लेयर करता है प्रोग्रामर। ऑप्शन नंबर ए है 110 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। 111 नंबर क्वेश्चन, सेट ऑफ प्रोग्राम विच आर यूज टू ऑर्गेनाइज डाटाबेस आर क्लासिफाइड एज द DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड टेबल विच शोज द रिजल्ट एंड एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज द रिजल्ट टेबल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है 112 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर की, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन टू द प्रोसेस्ड फाइल इज क्लासीफाइड एज द 113 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज क्रिएटिंग अ फाइल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 113 नंबर क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं 114 नंबर क्वेश्चन की, 114, तो इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पास्कल ईच प्रोग्राम स्टेटमेंट एंड्स विद द सो दिस इज एंड विद द सेमी कॉलम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 114 नंबर क्वेश्चन का। 115 की बात करें, द डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दैट यूजेस गैस बिटवीन द टू ग्लास शीट्स इज क्लासिफाइड एज द सो 115 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज द प्लाज्मा डिस्प्ले। ठीक है, 117 के क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं 117 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। एंड 116 का करेक्ट आंसर अगर जो आपको पता है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। ऑन कलर स्क्रीन टू बिट्स आर नीडेड फॉर बेसिकली फोर कलर्स। ऑप्शन नंबर पी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 117 नंबर क्वेश्चन का। बिट स्ट्रिंग पार्टली डिपेंड्स मेनली ऑन द बेसिकली नंबर ऑफ 18 का करेक्ट आंसर होगा, सॉरी वन नहीं, वन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, वन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 118 नंबर क्वेश्चन का। लॉजिकल सर्किट विद ओनली वन आउटपुट एंड वन और मोर इनपुट इज सेट टू बी सो दिस इज सेट टू बी लॉजिकल गेट। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेमोरी दैट कैन बी इरेज एनी टाइम इज कॉल्ड एज द EPROM। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है 120 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, देन हम बात करते हैं 121 नंबर क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया है कि फाइल विच इज ऑटोमेटिकली अपडेटेड एंड व्हेन नीडेड इज क्लासिफाइड एज अ सो दिस इज क्लासिफाइड एज अ मास्टर फाइल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मेथड यूज टू स्टोर इंटीग्रल इंटीजर्स इज क्लासिफाइड एज अ टू कॉम्प्लीमेंट मेथड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122 का, 133 सिलिकॉन पीस विद अ सिस्टम सर्किट is termed as the chip. Option number D is the correct answer. The local area network and each computer cable in a network has a terminator. Option number A is the correct answer. 124 के बाद हम बात करते हैं 125 नंबर क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया है कंप्यूटर विच आर ऑर्गेनाइज्ड इन मल्टी एक्सिस आर क्लासिफाइड एज द सो आर क्लासिफाइड एज अ टाइम शेयरिंग। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है।
number that are written with base 16 is classified as the hexa decimals. Records of the running program is classified as the 127 का correct answer रहेगा. Producing a log option number A यहाँ पर correct answer है. फिर हम बात करते हैं 127 के बाद 128 नंबर क्वेश्चन की. तो यहाँ पर पूछा गया है कि material on which data is stored or in input or output classified as termed as the basically medium. Option number D is the correct answer. 129 की बात करें तो printing technique in which the characters are produced using the metal piece is called as the solid font. Option number B यहाँ पर correct answer है 129 का. थर्ड क्वेश्चन में भी मेरे को थोड़ा सा डाउट है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ. 31 की बात करते हैं. टू मेक द प्रोग्राम मोर इजियर टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रामर कैन एड कमेंट टू इट एंड डिक्लेयर वेरिएबल नेम्स. दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों सही है. दैट इज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर द वन क्वेश्चन नंबर 131. फिर हम बात करते हैं 132 की. तो इसमें पूछा है कि द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेसिक स्टेटमेंट एंड्स विद द रीम इज कंसिडर्ड एज अ 132 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज नैरेटिव. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है. बेसिक सिक्योरिटी एंड द इजी मेंटेनेंस आर एडवांटेजेस ऑफ. 133 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंगल यूज सिस्टम वन वैल्यू व्हिच इज रिटर्न विद द मेंटिशिया एंड एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एज द एक्सपोनेंट. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है 134 का. 135 की बात पढ़ते हैं हम लोग. 135 में पूछा गया है कि द प्रोग्राम लिंक विद अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड कनेक्ट टू द फ्लो चार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कल. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 135 नंबर क्वेश्चन. 136 की बात करें द फाइल कोड व्हिच इंजीनियर्स एडेड टू द फाइल नेम एंड लिमिटेड एक्सेस टू द फ्यू यूजर इज कॉल्ड एज द 136 का करेक्ट आंसर दैट इज एक्सेस कोड. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. प्रोग्राम व्हिच provides the user with the grid of rows and columns is classified as the option number D spreadsheet. Option number D is the correct answer. Question number 137. Then हम बात करते हैं 138 की. तो 138 में पूछा गया है question. In sorting sequential file, data is stored only when it is in 138 का correct answer है. देखिए इसमें भी मेरे को थोड़ा सा doubt है तो इस question को छोड़ रहा हूँ. And ये वाला question में भी मेरे को थोड़ा सा doubt है. 140 पे आते हैं. Instruction that are programmed to make the decision are termed as the this is termed as the basically branch instruction. Option number A यहाँ पर correct answer है. Instruction format address to any data location is set to be. So this is set to be the operand. Option number C यहाँ पर क्या है correct answer है. फिर हम बढ़ते हैं आगे 142 की तरफ. तो secondary storage memory is a basically a non-volatile memory. Option number B यहाँ पर correct answer है. The type of printer in which the loop rotates in horizontal lines and hammer set on a printer used across the paper is termed as the basically band printer. Option number A यहाँ पर correct answer है. Complete set of special characters used by any system is classified as the this is called as the character set. Option number C is the correct answer. Question number 144. फिर हम बात करते हैं question number 155 की. Operation carried out not gate is also known as a reversing. Option number D यहाँ पर correct answer होना चाहिए. ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे 145 के बाद है 146 की तरफ बढ़ते हैं. तो वहाँ इसमें पूछा है which is the example of direct access. So direct access जो के लिए जो example है वो correct answer होगा यहाँ पर magnetic disk. Option number A यहाँ correct answer है. Directory which consists of a list of files is called as a catalog. Option number C is correct answer है. Info chart invert trapezoid is used to represents the basically 148 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज द मैनुअल ऑपरेशन. ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर है. स्पीड ऑफ सीपीयू क्या होती है हर्ट्ज में होती है गीगाहर्ट्ज. ठीक है ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा. फिर हम बढ़ते हैं आगे 150 की तरफ. तो यहाँ पर पूछा गया है विच इज जनरली यूज टू इंक्रीज द अपेरेंट साइज ऑफ द फिजिकल मेमोरी. सो यहाँ पर जो होगा 150 का करेक्ट आंसर दैट इज वर्चुअल मेमोरी. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. कन्वर्ट द बाइनरी नंबर इसको जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ऑप्शन मिलेगा 154 इज द करेक्ट आंसर रहेगा. विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस नहीं है दैट इज प्लॉटर इज द आउटपुट डिवाइस. एंड विच इज नॉट अ सॉफ्टवेयर नहीं है दैट इज बेसिकली यहाँ पर कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है. 153 का करेक्ट आंसर होगा कंपाइलर इज नॉट अ सॉफ्टवेयर. ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. 153 के बाद हम बात करते हैं 54 क्वेश्चन कहाँ मिस हो गया भाई.
देखिए 54 और 55 यहाँ पर है नहीं, तो हम बात करेंगे 156 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो 154 मिसिंग है भाई, क्या कर सकते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, दैट इज मोजिला फायरफॉक्स। इन हायरार्किकल मॉडल ऑफ डीबीएमएस रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज अ ट्री, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। हाउ मेनी लेयर्स इन आईएसओ एंड ओएसआई मॉडल्स के अंदर, 7 लेयर्स होती हैं। वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज द ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, 159 के बाद है 160 नंबर क्वेश्चन का। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू इज यूज टू इंसर्ट द हेडर एंड फुटर इन द एमएस वर्ड। बेसिकली यहाँ पर लेआउट यूज किया जाता है, डिफॉल्ट पेज ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ पीपीटी जो पावर पॉइंट होता है, दैट इज द लैंडस्केप फॉर्मेट में रहता है। एमएस एक्सेल इन द वर्क बुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। वीडियो इज रिप्रेजेंटेड एज अ सीरीज ऑफ इमेज इज नोन एज द फ्रेम्स बेसिकली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 163 चल रहा है, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा, 164 पे आते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि विच इज द फीचर ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो देखिए यहाँ पर मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए, थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में, आई थिंक बी ऑप्शन होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूजिंग द ग्रेडियंट टूल, दैट इज फोटोशॉप, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आईटी एक्ट जो है वो डील करता है साइबर टेररिज्म से, दैट इज सेक्शन 66F, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच इज द नेम ऑफ द क्लाउड इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज मेघराज, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे 66 के बाद, 167 हो चुका है, 168 पे आते हैं। HTML इज अ सबसेट ऑफ HTML, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड चंद्रखानी दर्रा जो पास है इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, ये कहाँ पर है। सो 169 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कुल्लू के अंदर है ये। और सूरज ताल लेक जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, दैट इज लाहौल स्पीति के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ इसे मैं, 171 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे दैट इज सुकेती फॉसिल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये कहाँ पर है, ये आपको देखने को मिलेगा सिरमौर में अंदर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर है। हल्दा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो 72 का करेक्ट आंसर है लाहौल स्पीति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम इज अ ट्रिब्यूटरी फॉर द सतलुज रिवर, सो यहाँ पर ट्रिब्यूटरी है दैट इज नोगली, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच माउंटेन पासेज द चंबा एंड जम्मू, सो यहाँ पर जो कनेक्ट करने वाला पास है दैट इज द पादरी, ठीक है, पादरी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। व्हेन डिड प्रेम दैट इज प्रेम प्रंचरी सभा ऑफ धामी प्रिंसली स्टेट कन्वर्टेड इट्सेल्फ इनटू द धामी रियासत प्रजाल मंडल, सो दैट इज इन 1939 के अंदर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है 175 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बढ़ते हैं 176 की तरफ, तो इसमें पूछा गया है आपसे विच हु सक्सेसेड द थ्रोन ऑफ कांगरा प्रिंस स्टेट व्हेन द राजा हरिचंद्र वाज प्रज्यूम डेड बट वाज एक्चुअली अलाइव, सो यहाँ पर 176 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज करमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। टैप टू द क्यूरेटिव पोटेंशियल ऑफ द हॉट स्प्रिंग जो हिमाचल प्रदेश के अंदर हैज बीन बिल्ट तुर्किश टाइप बाथ नियर विच वाटर स्प्रिंग इन हिमाचल प्रदेश, तो ये आपको देखने को मिलेगा। 177 का करेक्ट आंसर है दैट इज इन द वशिष्ठ के अंदर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 178 विच रिजर्वायर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग हाईएस्ट पर हेक्टेयर फिश प्रोडक्शन इन द कंट्री, सो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द गोविंद सागर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 178 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 179 पे आते हैं, अकॉर्डिंग देखिए 179 में अकॉर्डिंग टू 2010-11 सेंसस के अकॉर्डिंग जो है टोटल लैंड होल्डिंग बिलोंगिंग टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स दैट इज द यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए होगा 87.95%। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मुझे नहीं पता है अभी, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। 81 पे आते हैं, मिंजूर सीजनल फेयर जो है हिमाचल प्रदेश का, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा किस चीज़ के लिए होता है बेसिकली ये पूछा गया है, तो ये होता है दैट इज फ्लावरिंग ऑफ मेज, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चीनी जो है वॉज अ फेमस रिपोर्ट ऑफ विच गवर्नर जनरल, बेसिकली लॉर्ड
आई थिंक यहाँ पर डलहौजी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, नहीं डलहौजी नहीं होगा, सॉरी डलहौजी होगा राइट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 183 की तरफ बढ़ते हैं, तो 183 में आपसे पूछा गया है विच टेम्पल इज नॉट बिल्ट इन पगोड़ा स्टाइल। सो यहाँ पर जो 183 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ज्वालामुखी टेम्पल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बॉबी तल्यार खान वॉज एसोसिएटेड विद द जर्नलिज्म, ये एक पत्रकार थे। तो जवेरी सिस्टर इज अ फेमस फॉर इन द फील्ड ऑफ मणिपुरी डांस, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है। विच स्टेट गिव्स द मेवार अवार्ड, मेवारा अवार्ड कौन देगा भाई, राजस्थान ही देगा, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। फिर बढ़ते हैं आगे 186 के बाद है 187 नंबर क्वेश्चन, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, रामास्वामी कप जो है ये हॉकी के अंदर दिया जाता है, ये जो श्वार्ड एंड द सिकल ये बुक जो है वो किसने लिखी थी, मुकुल राज आनंद ने, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। एक डॉक्टर की मौत, ये जो फिल्म के डायरेक्टर हैं वो है तैयब शाह सिन्हा, तैयब सिन्हा है नॉट शाह, बेसिकली तैयब सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज जिसे IISc बैंगलोर कहा जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, वन क्वेश्चन 191 का, ठीक है। चलिए फिर पढ़ते हैं 191 के बाद है 192, तो फेमस एफिल टावर कहाँ पर है भैया, पेरिस के अंदर है फ्रांस में। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू गो इन टू द स्पेस, दैट इज द राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इंडिया बिगेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जो है बेसिकली वो कौन सा है, दैट इज ध्रुवा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, दैट इज ग्रीन लैंड है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है। फिर हम बढ़ते हैं अपने लास्ट के दो तीन क्वेश्चन की तरफ, तो ग्रीनलैंड के बाद 196 पे आ जाते हैं। इसमें पूछा है बोट रेस जो है फेमस है आपकी केरला की, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ईटी इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द स्पेन, स्पेन के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर है। विच कंट्री हैज ओनली टू पार्टी सिस्टम, पार्टी गवर्नमेंट बेसिकली इन द ब्रिटेन इज द करेक्ट आंसर, 198 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बढ़ते हैं लास्ट के दो क्वेश्चन की तरफ, तो हमारे लास्ट के ये दो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है द फरक्का एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश फॉर द शेयरिंग ऑफ गंगा बॉर्डर, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कौन सा फोक डांस नहीं है, बेसिकली देखिए ये फोक डांस नहीं है, यहाँ का कथकली क्लासिकल डांस है, ठीक है, फोक डांस नहीं है, यहाँ का एक क्लासिकल डांस है। कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। तो ये था हमारा पेपर, और पेपर किस चीज़ का था, ये हिमाचल प्रदेश का जो सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन है उसकी तरफ से पेपर का आयोजित किया गया है, असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर, ठीक है, ये पोस्ट का नाम था और पोस्ट का कोड था 966, ठीक है, और ये एग्जाम हुआ है 27th of November को 2022 के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर 200 क्वेश्चंस थे, मैंने पूरे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, एक्सेप्ट जो आपके रीजनिंग इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चंस और रहे हैं जो आपके उसके थे, जिनके मुझे डाउट था उन क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया है। तो वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा है वीडियो तो आपके लिए बस छोटा सा टास्क है, वो ये है कि आपको वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के बीच में, और साथ में अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।